हर कलाकार के लिए 4 मिनट का समय है, उसी में आपने अपनी कला का प्रदर्शन करना है। उसमें आप चाहे बोल दें या गा दें, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि सभी ने हाजिरी देनी है। स्वर्गीय गुरु जयदेव जी को श्रद्धांजलि करो। हर साई आपके बीच में आ रहे हैं भक्ति रचना लेकर, और हमारे बीच एक और वर्सेटाइल सिंगर संजय प्रधान तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। राकेश भैरवा जी जो सनी देओल के बेटे की फिल्म पल पल दिल के पास में भी काम कर चुके हैं, और भी पता नहीं कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और सोशल भी है, और कहां खड़े हैं, कहां बैठे हैं, एक मिनट खड़े हो जाए जरा प्लीज। सर आपका स्वागत है दिल की गहराइयों से, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। साथ मिलकर श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, एक बहुत ही प्यारा गीत है, उससे बहुत जल्दी खत्म करके 2 मिनटों में मैं बहुत जल्दी अपनी खत्म करूंगा। बिल्कुल सिर्फ ठाई वाले कंतरा काम हो जाता मेरे नाम जाने कौन सा
Oh.
श्याम जी के साथ ज्यादा है ये, जो खुद एक बहुत अच्छे रिदमिस्ट हैं, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। तो आइए सुनते हैं माशा वंश जी को श्रीमान मुकेश जी म्यूजिक डायरेक्टर सीरीज के कैसेट में अपने गाने का मौका दे रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार मुकेश जी के लिए जोरदार ताली बजा। श्रद्धांजलि के कुछ गुरु जी जयदयाल जी के नाम यहाँ पर संगीत के माध्यम से पहुंचाने आया। गाने से पहले गुरु जयदेव जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगी।
और आज आयोजित श्री मुकेश दयाल जी का दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे स्टेज के काबिल समझा कि मैं आप सबके बीच में कुछ दो लाइनें सुनाना चाहती हूं। मैं चाहूंगा तालियां बिना एक बार खुल के बजाने सभी क्योंकि ट्रैक का सिलसिला शुरू हो गया है और इस गाने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है, एक कहानी छुपी है। ये गाना जब रखा गया फिल्म के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने इस राज को जानने की कोशिश की कि ये गाने की को अहमियत क्यों दी जा रही है। तो मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई
ये मुकेश दयाल जी के जीवन से जुड़ी हुई बात है, भैया शॉर्ट निश्चित किया गया इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया। जीवन के जो पहलू होते हैं, हर इंसान के जीवन में लम्हा ऐसा आता है जब उसे किसी से इश्क हो जाता है, यानी कि प्यार हो जाता है। वो लम्हे आए मुकेश दयाल जी के जीवन में, ये बड़े उदास, मैंने कहा भाई क्या बात है, गाना गुनगुनाया जा रहा है सरोज जी की तरफ से कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो मुकेश जी ने जब देखा दिल विचलित हो रहा है, बात बन नहीं रही, तो इनकी बात बनाने के लिए हमने सहारा लिया। तो इनके जो बहनोई साहब हैं खलीफा बैजनाथ सूद साहब ने आगे बढ़ के कहा है खलीफा साहब कहा, तो इन्होंने आगे बढ़कर इनके मसले को हल किया, इनकी समस्या का समाधान किया और बॉम्बे गए इनके पिताश्री को स्वर्गीय जयदयाल जी को मनाने के लिए कि भी बेटा और उसमें लड़की में बहुत प्यार हो गया, बहुत अच्छी लड़की है, सुशील लड़की है, आपके घर को संवार के बेटे के जीवन को आगे बढ़ाएगी। तो इस तरीके से इनकी बात बनी और ये गाना इस तब मुझे समझ में आया कि गाना ये इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है, ये शॉर्ट लिस्टेड क्यों किया गया। ये इतने अंदर की बात आपको पता चली, इसका मतलब आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं बात दिल से कह रहे हैं, लेकिन कुछ बात कुछ और थी। इस जीवन के अंदर जो है धर्म पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो मेरी धर्म पत्नी श्रीमती सरोज दयाल है, मैं उसका दिल की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। और एक पुरुष का भी होता है, मेरे जीवन के अंदर मेरी धर्म पत्नी से पहले मेरे मित्र आए श्रीमान मुकेश बेनीवाल जी। मुकेश बेनीवाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया, ये वो व्यक्ति है 33 साल से मेरी इनकी यारी है, मेरी दोस्ती है और कभी दोस्ती में किसी प्रकार की ऊंच नीची नहीं हुई है, लेकिन ये बात सब यहाँ कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात मुंह पे आ गई तो कह देना चाहिए, क्योंकि आप सभी यहाँ पर तन्मयता से सुन रहे हैं और बहुत सुनकार बैठे हैं। कुछ हमारे मित्र, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं भी पूरी होती है, 11 सदस्य बड़े बड़े धार्मिक पर्व कराते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराते हैं, श्रीमान बिट्टू जी, श्रीमान विक्की प्रेमी जी, श्री मदन प्रधान जी, लल्लू नाथ जी, संजय टांग जी, श्रीमान दीपक जी, सचिन मट्टू जी, अरुण सिंह जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, और श्रीमान कपिल खैरवा जी, आप बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, ये आयोजन आपके आयोजन के सामने छोटा है, जिस तरीके से आप आयोजन कराते हैं मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि समय की अवधि है, समय बड़ी तेजी से आगे को बढ़ रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, आगे की प्रक्रिया है श्रीमान सक्सेना साहब। अरुण मोठे जी भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, मैं स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि अभी मुकेश दयाल जी ने कहा है, ये यकीनन सही बात है कि परिवार दो पहियों की गाड़ी होती है, दोनों जब साथ साथ चलते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। मैं सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अगला गीत आपके सामने लेकर आ रहे हैं डॉक्टर एस डी चंदेल साहब, जिनका इस संस्था से, इस ग्रुप से बहुत पुराना नाता है, रिश्ता है, और ये बहुत अच्छे गायक हैं। डॉक्टर एस डी चंदेल साहब आपके सामने एक खूबसूरत गीत लेकर, आइए सुनते हैं। आज मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि स्वर्गीय गुरु जयदयाल जी की पुण्यतिथि पर और उनकी याद में उनके सुपुत्र श्री मुकेश दयाल जी ने जो यह मंच सजाया है और जो उनके पिताजी ने म्यूजिक की जो मशाल जला के रखी थी उस मशाल को थामे हुए ये हैं। और मैं इनके लिए एक श्लोक कहूंगा, ये धन्य माता पिता धन्य, धन्यो माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यो कुल भवई, धन्यो च वसुधा देवी निस्तस्त्र गुरु भक्तता। अर्थात वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो धरती धन्य है जहां पर मुकेश दयाल जी जैसे सुपुत्र पैदा हुए हैं। और एक शेर मुझे अभी याद आ रहा है कि चांद को गुरूर था, चांद को गुरूर था कि मेरे पास नूर है, चांद को गुरूर था कि मेरे पास नूर है, और बाल्मी समाज को यह गर्व है कि हमारे पास मुकेश दयाल जैसा कोहिनूर है। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि थी गुरुदेव जयदयाल जी की स्मृति में मैं यहाँ पर कुछ पेश करूं, कुछ गलती हो तो क्षमा करना, मैं गायक नहीं हूं, कभी कभी गुनगुना लेता हूं। और इस मंच पर लाने का श्रेय हमारे टी सीरीज के डायरेक्टर साहब और ये
सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश दयाल जी का जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किया है। एक भटके हुए
Mm-hmm.
शख्सियत हैं जो गुरु जयदयाल जी का पिछले 6 साल पुराना इन्होंने रिकॉर्ड यूट्यूब पर सर्च करके निकाला है और आज ये उस इंटरव्यू को आज ये लॉन्च करेंगे और अपनी वाणी से आज ये मैं चाहूंगा पहले आपका स्वागत आइए आप। ये एक ऐसे शख्स हैं जो इनका फोन आया मेरे पास कि आप गुरु जयदयाल जी के सुपुत्र बोल रहे हैं। मैंने कहा जी कह रहा ऐसे ऐसे मैं उनका शिष्य हूं और मेरे पास गुरु जयदयाल जी का 8 साल पुराना लाइव इंटरव्यू है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मेरे को जीवन की सबसे कीमती चीज मेरे को मिली है और ये आज ये उसको कल मैंने रात उसको टीवी पर देख उसको यूट्यूब पर देखा है। आप भी जयदयाल करके सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वो इंटरव्यू मिलेगा। मैं चाहूंगा आपका स्वागत मुकेश बनीवाल जी। एक मिनट आए इधर आप 2 मिनट में हमारे चेयरमैन है इधर इधर सामने देख कर जी सामने देख कर शॉट डालिए और ट्रॉफी दीजिए। और लोगों को ये फ्री अपने स्टूडियो में गवाते हैं लोगों को जिसमें सोनम जी ने भी गाया है सोनू ने भी गाया है इनके इसमें और ऐसी चंदन साहब ने भी गाया है। ये नई नई प्रतिभाओं को ऊपर लाते हैं। बीआर वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इनका सारा चिट्ठा एकदम सामने आ जाएगा जो जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं। मैं चाहूंगा एक बार विनोद भारद्वाज जी 2 मिनट में गुरु जयदयाल जी को क्योंकि गुरु जयदयाल जी के ये शिष्य हैं और एक इनकी शिष्य नीचे बैठी है बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही है लेकिन और इनके पास भी गुरु जयदयाल जी का इंटरव्यू है। श्रीमान विनोद भारद्वाज जी पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर संगीत की इस श्रद्धांजलि में इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और जैसा कि मुकेश जी ने बताया मेरे गुरु वही हैं और मुझे आज इतना बड़ा परिवार गुरु जी की बदौलत मिला है क्योंकि गुरु परंपरा हमारे देश का बहुत पुराना इतिहास रहा है और गुरु भाइयों की परंपरा इतिहास में जग जाहिर है। तो आज गुरुजी के माध्यम से मुझे छोटे भाई और बड़े भाई और पता नहीं कितने ऐसे भाई जो अभी भी कहीं छिपे हुए हैं जो आज धीरे धीरे करके इस प्रोग्राम के माध्यम से मिल रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे। मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस टीम को जिसने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। उन सबकी मेहनत और आप सबका जो कीमती वक्त निकाल के आपने यहाँ पे समय दिया है उन सबके लिए बहुत सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंटरव्यू के बारे में आपको बता दूं कि वी आर वी फॉर विक्ट्री आर फॉर रेड के नाम से है वी आर वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसमें गुरुजी का इंटरव्यू है जो मैंने कल रात ही लोड किया है। आप देखिएगा गुरुजी से मेरी जो वार्ता है वो ऐसे बैठे बैठे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि
ये इंटरव्यू उनका आखिरी इंटरव्यू होगा और आप सब उस इंटरव्यू को जरूर देखें और गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने संगीत के बारे में जो बारीकियों से समझाया है, परिवार, संगीत और सबसे बड़ी बात संगीत के उन विधाओं के बारे में उन्होंने बताने का जो प्रयास किया है, जो आप सुनेंगे मेरे बताने से बात पूरी नहीं होगी। उम्मीद है आप उसे एक बार जरूर देखेंगे। और उनके और भी इंटरव्यूज हैं, क्षमा जी ने भी उसके साथ उनके बहुत काफ़ी वीडियोज हैं, वो मैं धीरे धीरे करके यूट्यूब पर डालूंगा और आप सब लोग गुरु जी के वो वीडियो देख पाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं देखे। और संगीत पे आधारित है सारे, रागों के बारे में, सुरों के बारे में और एक अच्छे सिंगर के बारे में उनके विचार, वो सब आपको उस वीडियोज में मिलेंगे। तो शुक्रिया आप सब लोगों का और मुकेश जी का फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मिलेंगे आपसे, और उम्मीद है कि आप अगली बार में और ज्यादा लोगों को साथ लेकर आए, जिससे कि प्रांगण में कहीं खड़े होने की जगह भी ना बचे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद भगवान जी। अब मैं ऐसी शख्सियत आपके सामने आ रही है, श्रीमान मुकेश जी। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई नहीं है किसी का, नाते हैं नातों का क्या। ये देखिए, मन्ना डे साहब ने बड़ी खूबी से गाया था, मुकेश जी उसको अपनी दर्द अपने दिल से गाएंगे उसको। और टी सीरीज के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और बहुत बढ़िया इंसान हैं, क्योंकि नाम मुकेश लग गया है। दीनदयाल जी, चलिए और कैसे हैं सर? बढ़िया। गाने से पहले गुरु शेर दयाल जी को श्रद्धांजलि के तौर पे मैं श्रद्धा सुमन जो आज आपको पेश कर रहा हूँ। गाना तो कुछ और बोला है और वो गीत भी मैं गाऊंगा आपको, उससे पहले ये और मैं आभारी हूँ मुकेश जी का, जो मुझे अभी फिलहाल ही 6 महीने पहले ही मिले हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कितने जन्मों से जानता हूँ इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही सामाजिक काम करते हैं। हमारे बीच में आप फिल्मों में कई अभिनय कर चुके हैं और हमारे सोनू भाई के बहुत अच्छे मित्र हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। कुछ क्योंकि ये मैंने पहले कहा था, ये कार्यक्रम कुछ अलग हटके है, ये वो कार्यक्रम नहीं है कि कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि इसमें हम लोग जाते हैं तो हमारा भी बड़ा बड़ा अभिनंदन किया जाता है। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मन से Yeah.
साथियों के अभिनंदन करें, जोरदार तालियां होनी चाहिए शोएब अली के लिए। अगले गीत से पहले हमारे कुछ मेहमान तशरीफ लाए हैं, मैं स्वागत करता हूँ उनका। सलीम शेख साहब यहाँ पर मौजूद है, जिले के नाम और एंकर हैं, हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, भाई हमारे। अब्दुल रहमान साहब संगीत के गुरु हैं, यहीं पर शिक्षा देते हैं, बहुत से बच्चों को इन्होंने आगे बढ़ाया, मैं स्वागत करता हूँ अब्दुल रहमान साहब। आइए सुनते हैं अगला गीत। हम आपके दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
ये काले काले आंखें, ये गोरे गोरे कान, ये तुझी तुझी नजरें, ये हिरन जैसी चाँद, ये काले काले आंखें, ये गोरे गोरे कान, ये तुझी तुझी नजरें, ये हिरन जैसी चाँद. Because of you, I know you. Who are you, Raha? Ye kali kali aankhein, ye gore gore kaan, ye tikhi tikhi nazrein, ye hamne jaise chaand. नजर से मेरी जान जा
जो तेरी यादा मैं फिदा हो गया सीने से हटा जरा जीने का आए मजा जीने का आए मजा ये बिगड़ी बिगड़ी सुनते ये इतनी लंबी दूरी ये गोरी गोरी बातें जो ना तुझ चाहे ऐसा तो पहले हमने देखा नहीं कमाल ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे कान संगीत का रूप तो श्रद्धांजलि स्वरूप आपके सामने गीत प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं आशा राजपूत चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन से देश कहां तुम चले गए Thank you.
और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ स्वर्गीय गुरु जयदयाल जी के लिए कि दिल का दर्द मिटाना कितना मुश्किल है। स्वर्गीय गुरु जयदयाल जी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत प्रस्तुत किया गया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दिल का दर्द मिटाना कितना मुश्किल है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल है, दूर तक चलो जब किसी के साथ फिर तन्हा लौट कर आना कितना मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, आज हम याद करते हैं, एक एक पल हमें बड़े भारी लगते हैं जब हमें उनकी याद आती है। और हमने वो समय खो दिया जब वो हमारे करीब थे और बहुत कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए। बहरहाल आज उनकी सिर्फ यादें हैं हमारे पास, उन्हें संजो कर उन्हें याद करके हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कलाकारों का स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है इस कार्यक्रम के लिए, श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत किया है आपके सामने। अगला गीत आपके सामने, डीके ठाकुर आपके सामने आ रहे हैं, उसके बाद चांद मलिक जी तैयार रहे हैं। नील दिगंबर पर चांद जब आए प्यारे परसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए,
मन भी गाता है थम थम करता है आवन दूरों के प्राण सदाए रंगी पर खातो जब तुम मन भी गाता है प्यार में नहाने को डूब भी जाने को दिल में तड़पा भाव जगा जाए ऐसा कोई साथी हो साथी हो साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्रेमी हो प्रेमी हो प्यार से दिल की बुझा जाए दिल निरंतर पर चांद झुराए प्यार बरसाए हम को परसाए बहुत खूबसूरत गीत गाया है आपने श्रद्धांजलि स्वरूप और अगला गीत चांद मलिक आपके सामने आ रहे हैं लेकर हमारे बीच एक और अतिथि हमारे खास मेहमान मुकेश अग्रवाल जी तशरीफ लाए हैं मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं रॉयल इवेंट्स की तरफ के ऑर्गेनाइजर हैं बहुत अच्छा गायक है बहुत अच्छे गायक है और बहुत अच्छे इंसान है सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा एक शो करने जा रहे हैं जिसके लिए ये बहुत जल्द एक ऑडिशन लेने वाले हैं मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपने कीमती समय निकाला थैंक यू वेरी मच चांद मलिक आपके सामने अगला गीत लेकर मेरी महबूब से मेरी मुहब्बत
परफॉर्मेंस आ रही है चित्रा जी आइए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए चित्रा जी के लिए और शाहिदा परवीन जी अगला गीत लेकर आपके सामने। तेरा साथ है तो ये बहुत ही खूबसूरत गीत गाया है कि साथ चलते चलते यही वक्त गुजर जाएगा, दूर जाने के बाद कौन किसे याद आएगा, जी लो ये पल जब साथ हैं हम, कल का क्या पता वक्त कहां ले जाएगा। बहुत बड़ा चित्रा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत फील से गाया आपने। और आखिरी गीत आपके प्रोग्राम का आइए सुनते हैं बबलू पंडित आपके साथ। ये गीत जो है श्रद्धांजलि है, मुकेश दयाल जी का बहुत ही फेवरेट गीत है ये, तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ गाने की,
हंसने वाले प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, हंसने वाले प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं बातें हैं बातों का क्या। अगले श्रृंखला में मंच पर बुलाना चाहता हूं डॉक्टर एमडी चंद्रेल जी मंच पर। सलीम शेख साहब को वेस्ट एंकर का अवार्ड दिया जा रहा है। श्रीमान कलीमा वैद्यनाथ जी कृपया मंच पर आए। पत्थरों से आकार बनता है, पत्थरों से आकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है। पत्थरों से एक मिनट तालियां। पत्थरों से आकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है। हो ऊपर वाले की असीम अनुकंपा,
और उस्ताद गुरुओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम तब जाकर एक अच्छा फनकार बनता है। धन्यवाद सलीम शेख साहब का नीचे आए, 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 आए। ये वो हस्ती हैं जो बड़े बड़े मंचों पर अपनी परफॉर्म देते हैं और आज बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे थे। मैं सलीम शेख साहब आपका हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि मैंने आपको बड़े बड़े मंचों पर देखा है और बड़ी बड़ी पब्लिक के बीच में देखा है। आज आपने मेरे पर जाकर जो एहसान किया कर्जा दिया है इसको मैं चुका नहीं सकता। मुकेश दयाल जी मैंने एहसान नहीं किया अपना फर्ज पूरा किया और इसके साथ मैं सरोज भाभी जी सरोज दयाल उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि आज सिद्धार्थ जी के मौके पर हमारे बीच बीवी रानी जी हमारी बेबी रानी हमारी बहन वो यहाँ मौजूद है उनको भी हार्दिक बधाई। दोस्तों मैं जो बात कहना चाहता था वो थोड़ी सी इतनी है कि आज का जो वक्त संचालक मेरे छोटे भाई अनिल सक्सेना मेरी खुशनसीबी है कि वो यहाँ मौजूद हैं और मैं हमेशा इनकी दिल से कदर करता हूँ। मेरे बीच में मेरे छोटे भाई रेहान साहब दिल्ली के एक नामवर आवाज मेरे बीच है नौशाद अली साहब और मेरे भाई मनोज शर्मा। मैं गुजारिश करूंगा कि आप चारों लोग जो ऊपर आ जाओ नौशाद अली मनोज शर्मा जी और मेरे भाई रेहान साहब और उनके बराबर में जो बैठे हैं मुकेश अग्रवाल जी। मैं मुकेश दयाल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के इस वक्त पर बुलाकर जो इज्जत और बात दिया मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों ये मेरा छोटा भाई जो दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज का जादू लगाता है जिसने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे बड़े शरीर में अपने फन का जादू लगाया और नौशाद अली साहब और हमारे मुकेश अग्रवाल जी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझ पर आए। नौशाद अली साहब जो एक अच्छे सिंगर हैं और 19 जनवरी को दिल्ली का लाइव में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है इसी जगह पर आप और मुकेश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि 19 जनवरी को आकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए क्योंकि आज ऐसा वक्त नहीं है कि जो शोभा बढ़े। मनोज शर्मा जी जो मीडिया से हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और दिल्ली में ही बल्कि दिल्ली से बाहर हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं तो मुकेश मनोज शर्मा भी हमारे साथ रहते हैं। और दोस्तों मैं जय दयाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर। बहुत बढ़िया सलीम साहब एक और मुकेश दयाल जी का स्वागत कर रहे हैं इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे रेहान भाई कि यूं तो आते हैं दुनिया में सभी मरने के लिए मौत उसकी करे जिसका जमाना अफसोस। दोस्तों आज बड़े दुख का दिन है कि हम उनको बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए क्योंकि आज संगीत की पूरी टीम यहां मौजूद है। डॉक्टर चंदेल साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं और बड़ा मान सम्मान देते हैं जैसा मैंने कहा मेरा छोटा भाई कद में मुझसे बड़ा है लेकिन आवाज का जादू है। मैंने देखा है न जाने कहां देखा है वो जगह याद नहीं तुमको जहां देखा है और कूचा यार से गुजरा था बस होश और हवास अपने जलते हुए अरमानों का धुआं देखा। क्या बात है क्या सताएगी भला गर्दिश अय्याम मुझे है मैंने हर काम पे मंजिल का निशान देखा है। अरे भैया के लिए गर्म ले बात मुकेश के लिए बातें कर दूंगा मैंने हर काम पर मंजिल का निशान देखा है ये अलग बात सही जो तुमने कहा मान लिया मुझको समझाओगे क्या मैंने जहां देखा। और मुकेश जी श्रद्धांजलि यानी हमारे यहां कहते हैं खिराजी हकीकत तो
ऐसे मैं ऐसे बच्चे जरा मुश्किल से पैदा होते हैं जो अपने बाप दादा के नाम को बुलंदियों तक ले जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल की तरह हर साल ये श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करते रहेंगे। शुक्रिया मैं धन्यवाद जी। चलिए बाकी जो हमारे अवार्डी रह गए हैं, महेश चंदेलिया जी कृपया मंच पर आए। महेश जी और बाकी नाम अनाउंस कर रहा हूँ, डॉक्टर एस डी चंदेल साहब, रमेश थोड़ा जी, मुकेश कुमार जी और जी रमेश खोड़ा जी अगले महीने कुछ कार्यक्रम आप आगे आ जाइए। आशा राजपूत जी बहुत अच्छा गाया है आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा श्रद्धांजलि दी है। सोनम जी सोनम अली आ जाए जल्दी से, तब तक सोनू चंदेल को सम्मानित करें। रानी चंदेल जी मंच पे आ जाएं। संगीता जी भी मंच पे आ जाएं और सरोज दयाल जी भी मंच पे आ जाएं। आइए संगीता जी भी मंच पे आए। सोनू चंदेल बहुत अच्छा गाते हैं, वर्सेटाइल सिंगर हैं नो डाउट, और इन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा करने में बहुत मेहनत की है, बहुत हमारा साथ दिया है। मैं दिल की गहराइयों से सोनू का शुक्रिया अदा करता हूं। मुकेश कुमार जी एक और हमारे साथी हैं मुकेश कुमार, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, सभी जानते हैं। टी सीरीज से बेशुमार इनके सीरीज आ चुकी हैं। शोएब अली प्लीज मंच पे आए। नीरज खोड़ा तबला वादक, जिन्होंने बहुत ही सुंदर साथ दिया सभी कलाकारों का। नीरज जय जी ऑर्गन पे, जय जी प्रश्न निर्माता निर्देशक और लेखक का अवार्ड दिया जा रहा है। आइए सर आइए, अरे डालो ना डराओ उधर। कहते हैं कभी कई बार ना देर से बहुत बड़ा मिलता है, सबसे बड़ी माला। मैं मुकेश दयाल जी का दिल से की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सोच बहुत ऊंची है, बहुत विशाल है, सभी को संजोग के चलते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आगे की कार्रवाई के लिए, और मुकेश दयाल जी के लिए हम गर्मीय हसरते नाकाम से जल जाते हैं। मुकेश दयाल जी कि हम गर्मीय हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह हर शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम मुकेश जी आपके नाम के साथ, न जाने कि लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या बात है जी, देवी रानी जी प्लीज आप मंच पे आ जाए, आपका मंच है, आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे हमेशा, बड़ी बहन है मुकेश दयाल जी की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मुकेश दयाल जी अपनी बड़ी सिस्टर देवी रानी जी, जिनका प्यार जिनका आशीर्वाद हमेशा इनके साथ बना रहता है, हर काम में याद आ गई जाके लोगों का सहयोग देती हैं। मैं चाहूंगा मुकेश दयाल जी सम्मानित करें, और उसके बाद में मुकेश दयाल जी और सरोज जी का स्वागत वाल्मीकि सेना दिल्ली की तरफ से
रमेश खोड़ा जी अपनी टीम के साथ। रमेश मेरी माँ से भी मिलता मिला है और ये मेरी बस मैं इसके बारे में शब्दों में बड़ी दयालु है, नाम इसका देवी है लेकिन बहुत दयालु है। बड़ी बड़ी बहन माँ के समान ही होती है, जब तक माँ है तो वो माँ है लेकिन माँ जब चली जाती है तो बड़ी बहन जिम्मेदारी निभाती है। रमेश खोड़ा जी, डॉक्टर एस डी चंदेल साहब हाँ स्वागत कर रहे हैं। सरोज जी, सरोज बाला जी अच्छा, और एस डी चंदेल जी की पुत्र वधु हेमलता चंदेल जी भी, रानी जी रानी चंदेल जी भी जो उनकी अर्धांगिनी है धर्मपत्नी है डॉक्टर एस डी चंदेल जी की। और ये मास्टर कौन है छोटा सा बच्चा कविश भाई मुकेश और उनकी धर्मपत्नी, जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही जोरदार तालियां। आज स्वर्ग में बैठे स्वर्गीय गुरु जयदयाल जी कितने प्रफुल्लित हो रहे होंगे। ये होती है फुर्ती, समय की नजाकत को देखते। रमेश जी, रमेश खोड़ा जी हाथ लगा रहा साथ में, सहयोग करो ना, इतना सम्मान कर रहे हो तो उसको देखो आगे, क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, क्या बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं। जी डॉक्टर चंदेल साहब जो बहुत मेहनत करते हैं, एक दफे आवाज देने पे आते हैं। देखिए एस डी चंदेल साहब के बारे में मैं इतना कहूंगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, एमसीडी के बहुत बड़े अधिकारी से रिटायरमेंट हुए हैं और पूरा परिवार इनका शिक्षित परिवार है। ये इनकी पुत्र वधु है, बेटे की बहू है, इनका पूरा परिवार ऐसा वेल सेटल परिवार है। मैं इनके शब्दों में जितनी तारीफ करूं उतना कम है क्योंकि नाम है जिनका एस डी चंदेल साहब, नाम है जिनका एस डी चंदेल साहब। मुख्तसर उम्र में कमाल है ये, यह लाखों करोड़ों दिलों के शहजादे अपने नाम और अपने काम की मिसाल है। ये जब गाते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है मेरे बड़े भाई मेरे सामने खड़े हैं और मुझे मेरे बड़े भाई मिल गए हैं। और छोटे भाई के रूप में मेरे रमेश खोड़ा जी मिले हैं। ये मेरा एक ऐसा परिवार संगीतमय परिवार बना है जो मैं दिल की गहराइयों से जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। आपने जो पगड़ी बांधकर मेरा स्वागत किया है मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रीमान डिप्टी चेयरमैन खलीफा बैजनाथ सूची का भी अभिनंदन करता हूं और प्रोग्राम मैनेजर रोहित चौहान का और हमारे आज के अध्यक्ष, मैं चाहूंगा अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर इस सभा का समापन करें। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश दयाल जी, आप सभी को गुरु जयदयाल जी के इस प्रोग्राम में आने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक हमारी मिसेज मेरे को बोलती रही कि आप दयाल जी